हाय गाइज, कैसे हो? तो स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो मैं आज जाने वाला हूँ रुद्रपुर। तो मैं वहाँ क्यों जा रहा हूँ, तो मैं आपको ये चीज़ दिखाता हूँ पहले। तो दोस्तों, ये है डीजे का सामान। तो हमने मंदिर के प्रोग्राम के लिए सामान लिया था, क्योंकि तो सिर्फ हमने मिक्सर और माइक लिया था जो अभी खराब है, और बाकी सामान मेरा ही है, जैसे लाइट वाइट है। तो इसको ठीक करने के लिए मुझे कुछ सामान चाहिए, तो इसके लिए मुझे रुद्रपुर जाना है। तो मैं सामान लेके आता हूँ, तो मैं थोड़ा बहुत सामाजिक कार्य भी कर लेता हूँ, साथ ही जो है इलेक्ट्रॉनिक सामान को रिपेयर करना, ये चीज़ तो मेरा शौक है, तो मैं एक प्रोफेशनली ये काम नहीं करता हूँ। तो हमारे साथ है संजुदा और हम जा रहे हैं आज रुद्रपुर। तो वहाँ पर हमें काफ़ी सामान लेना है। तो गाइस, हमने यहाँ से सामान ले लिया है और ये है इलेक्ट्रॉनिक शॉप रुद्रपुर। तो यदि आपको भी सामान लेना है तो आप यहाँ से ले सकते हैं। हमारे पास था वायरलेस माइक, तो काफ़ी दिक्कत आ रही थी, तो ये थोड़ा शॉर्टकट है, तो तार लगा हुआ चल जाता है। तो मैं थोड़ा सा आपका यहाँ का व्यू दिखा देता हूँ, जिससे आपको ये मालूम हो जाए कि रुद्रपुर कैसा शहर है। तो यह है रुद्रपुर मार्केट। तो यहाँ बहुत बड़ी इलेक्ट्रॉनिक शॉप मानी जाती है इधर। तो यह है मंगत रेडियो संदीप इलेक्ट्रॉनिक। तो इस तरफ है पांच मंदिर। तो हम यहाँ पर जाएंगे, अभी देखेंगे अंदर किस तरह का व्यू है, बताते हैं। बहुत अच्छा खूबसूरत है। तो गाइस, जैसा कि हम रुद्रपुर काम से आए थे, तो हमने सोचा कि आपको यहाँ पांच मंदिर का व्यू दिखा देते हैं कि मंदिर कैसा है। तो मंदिर के बाहर ही जो है आपको काफ़ी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पर है पूजा पाठ का सामान, तो इस तरह से लगा हुआ है, देखिए। तो टाइम कम है क्योंकि हमें भी मंदिर पर प्रोग्राम करने हैं, तो अभी यहाँ पर हम ज़्यादा समय नहीं देंगे। तो फिलहाल हम अंदर देख लेते हैं कैसा है। तो गाइस, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर बहुत अच्छा लोकेशन है, और देखिए कितनी साफ़ सफाई की गई है। तो फिलहाल जाते हैं हम इस पेड़ के पास, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, तो आपको दिखाते हैं। तो यह है मंदिर। तो ये जो मंदिर है, तो यह है शनिदेव का, तो ये लिखा हुआ है इसमें। और सामने ही जो है हाथों को धोने के लिए पानी की व्यवस्था की गई है। ये रुद्रपुर का पांच मंदिर है, सब रुद्रपुर का सबसे बड़ा मंदिर है। यहाँ पे लोग घूमने आते हैं। कल जन्माष्टमी, जन्माष्टमी झांकियाँ निकली थी, और आज जन्माष्टमी है कृष्ण जी का। तो गाइज, मैं आया हूँ लालकुआ से रुद्रपुर, और मेरे घर से रुद्रपुर की दूरी जो है 20 किलोमीटर की है। और यहाँ हालांकि मैं किसी को नहीं जानता ज़्यादा, लेकिन फिर भी इत्तेफाक से हमारे साथ जो काम करते हैं कंपनी में TVS श्री चक्रा में, तो वो मेरे को यहाँ मिल गए हैं, और साथ में उनके बच्चे और उनके पड़ोसी। तो ये जो व्यक्ति हैं, तो ये तो यहीं के रहने वाले हैं। तो बता रहे हैं, ये जो है रुद्रपुर का बहुत फेमस मंदिर है, और इसे जो है पांच मंदिर के नाम से जाना जाता है, और रुद्रपुर का बहुत फेमस एरिया है ये जगह। और यहाँ पर मैंने काफ़ी चीज़ें भी आपको दिखानी है, तो समय कम है, तो हम जल्दी से आपको यहाँ का सारा व्यू दिखाते हैं कि यहाँ पर कैसा क्या है। तो चलते हैं। इसे पाँच मंदिर क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पाँच मंदिर बने हुए हैं, साथ ही जो है हालाँकि यहाँ पर और भी मंदिर हैं, मुख्य जो है यहाँ पर पाँच हैं। तो मैं इसको पहले आपको लाइन से दिखा देता हूँ। तो ये है हनुमान जी, तो यहाँ पर अभी कुछ लोग आशीर्वाद ले रहे हैं बजरंगबली का। तो यह है देवी माँ का मंदिर। तो यहाँ पर आज जो है इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से सजाया गया है, ये देखिए। तो यहाँ के लोगों ने यहाँ काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है, यहाँ पर लोग फोटोग्राफी कर रहे हैं। तो यह है बजरंगबली जी। तो इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरत तरह से सजाया गया है। तो यहाँ पर जितने भी मंदिर हैं, तो इन्हें बहुत अच्छे से सजाया गया है। तो ये जो मंदिर है, ये है राम लक्ष्मण और सीता, और ये देखिए तो कितने खूबसूरत ढंग से इसे सजाया गया है, और बहुत ही अच्छी तैयारी की गई है। तो गाइज, आपने देखा कि यहाँ पर जो है लाइन से पांच मंदिर बनाए गए हैं। तो मैंने आपको बारी बारी सबका व्यू करा दिया है कि कैसा मंदिर दिखता है, और साथ ही जो है हमने भी दर्शन कर लिए हैं, और हम जो है अभी और भी चीज़ें देखने वाले हैं। तो ये वो स्थान है जहाँ पर शिवलिंग पे जल चढ़ाया जा रहा है। तो हम अंदर चलते हैं सीढ़ी से। तो ये है आने का मार्ग, और दूसरी तरफ है जाने का मार्ग। तो लोग सभी लोग यहाँ पर पूजा अर्चना कर रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर हमारे हैं नंदी महाराज जी और गणेश जी, कार्तिकेय। और तो मैं आपको इस जगह से इस मंदिर का पूरा व्यू दिखाता हूँ कि इस जगह से यहाँ पर कैसा दिखता है। तो ये देखिए, काफ़ी ऊंचा मंदिर है।
तो दोस्तों यहाँ पर जो है ऊपर आप देखेंगे कि यहाँ पर कुछ संस्कृत के श्लोक लिखे गए हैं, तो मैं आपको इसको थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, तो आप इसको वीडियो को पॉज करके भी देख सकते हैं। तो पहला श्लोक ये है, सेकेंड, थर्ड। तो गाइज मैंने आपको पांच मंदिर दिखा दिए हैं और साथ में जो ऊपर लगे हुए श्लोक है वो भी दिखा दिए हैं, और अब सामने मेरे है। तो फ्रंट से देखिए आप लोग इधर आ जा रहे हैं और साथ ही अब मैं भी चलता हूँ। तो गाइज ये देखिए एकदम अद्भुत, बहुत ही प्यारा लुक। यहाँ पर कुछ धुआं धुआं सा हो रहा है क्योंकि इधर धूप बत्ती अगरबत्ती की जा रही है। तो हम चलते हैं आगे विष्णु लक्ष्मी जी के दर्शन करने। तो यहाँ पर आपको कैसा लग रहा है कमेंट में बताएं। और साथ ही मैं आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिखाने वाला हूँ, जैसे कि इस जो फ्लोर को पूरी तरह से एसी से लेस कर दिया गया है। तो ये देखिए आप सामने काफ़ी एसी लगी हुई है, तो यहाँ पर लगी है 13 एसी, तो इस फ्लोर के लिए काफ़ी है। और साथ ही लगे हैं पंखे, यदि गर्मी हो जाती है तो ये लोग एसी भी चालू करेंगे। तो दोस्तों मैं मंदिर के सामने आ गया हूँ। तो ये है लक्ष्मी नारायण का मंदिर, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी लाइटिंग की गई है। तो ये देखिए, तो मैं अब आपको काफ़ी करीब से दिखा पा रहा हूँ, बहुत ही सुंदर अद्भुत। हाय कर दो। तो गाइज आपने देखा यहाँ पर काफ़ी भीड़ थी और ये भीड़ बढ़ती ही जाएगी और शाम तक शायद यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आएंगे। तो हम चलते हैं घर को। मंदिर के पीछे आ गए हैं और ये है, तो मंदिर के पीछे भी इस तरह की छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाई गई हैं जो कि शीशे के अंदर है, कांच के अंदर है, महर्षि वाल्मीकि जी। तो हर मूर्ति के ऊपर उनके नाम भी दिए गए हैं, नारद जी महाराज, और ये हैं हमारे हनुमान जी, पंचमुखी हनुमान जी। लोगों ने अपने पितरों की स्मृति पर ये लगाए गए हैं। साथ ही आगे भी ऐसी मूर्तियां देखिए, ये पूरी आगे लास्ट तक इस तरह की बनी हुई है। तो गाइज मैं आपको एक बार फिर से जो है इस जगह से दिखाता हूँ कि यहाँ से कितनी दूरी तक ये बना हुआ है। तो यहाँ पर से शुरू होता है और साथ ही जो है लास्ट तक ये बना हुआ है, इतने क्षेत्रफल में ये बनाया गया है। तो दोस्तों जन्माष्टमी का पर्व है तो यहाँ पर लोग आ जा रहे हैं और काफ़ी लोगों में हर्षो और उल्लास है। तो यहाँ पर अब भीड़ लग चुकी है, जिस वक्त हम आए थे उस वक्त इतनी भीड़ नहीं थी और अब भीड़ बढ़ गई है। शाम को जन्माष्टमी के पर्व पर कुछ प्रोग्राम होंगे, इस तरह के डीजे वीजे लगाए जा रहे हैं। तो गाइज यहाँ पर जो भी प्रोग्राम किया जाएगा तो वो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि मैं यहाँ पर अभी तो किसी काम से आया हूँ, जैसे कि आप जानते ही हैं। यदि आप इस मंदिर में आते हैं तो एक तरफ आपको जो है जूते चप्पल रखने के लिए आपका कोई प्रसन्न सामान होता है तो यहाँ पर रख सकते हैं, और मंदिर के बारे में कुछ जानना है या कुछ देना है तो यहाँ पर कर सकते हैं। और मैं आ गया हूँ अब मंदिर के बाहर और इस जगह पर जो है भीड़ बढ़ती जा रही है। तो गाइज अब चलते हैं घर को और मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही जो है चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें।